कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है। इसे जारी करते हुए कमलनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार आईपीएल में एक अलग टीम बनाएगी। ये घोषणा कर कांग्रेस ने राज्य के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दर्जन से अधिक क्रिकेटर हैं जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इन नामों में मंसूर अली खान पटौदी से लेकर आवेश खान, रजत पाटीदार, कुलदीप सेन, वेंकटेश अय्यर जैसे अन्य युवा क्रिकेटर शामिल हैं जो अभी भी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं, 2 इंदौर में और 1 ग्वालियर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी बड़े आकार का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित भी कर दी है। आईपीएल में फिलहाल 10 आईपीएल टीमें हैं जिन्होंने पिछले एडिशन में हिस्सा लिया था। इन सभी टीमों के शीर्षक राज्यों के नाम पर ही हैं। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल है। खैर, इसी के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों पर जोर देने वाले कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने, महिलाओं के लिए नगद प्रोत्साहन, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक आधी बिजली की घोषणा की गई है। वादों में 2005 से पुरानी पेंशन योजना और किसानों के लिए बिजली बिल की माफी भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए